अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको बेबी पजामा बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये 55 सेंटीमीटर कपड़ा है। पहले आप साइज ले लें, हिप लंबाई और मोहरी नाप लें, यानी बॉटम नाप लें। हमने साइज इस तरह लिया है, हिप 18 इंच, लंबाई 18 इंच, मोहरी यानी बॉटम 6 इंच। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में लिया है, 1, 2, 3, 4। ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है, ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है। खुले की साइड में हम आसन लगाएंगे, या नीचे हम मोहरी यानी वाटर मार्क करेंगे और इधर नेफर बनाएंगे। पहले हम पाजामे की लंबाई लेंगे। लंबाई हमने 18 इंच ली है। 1.5 इंच हम ऊपर इलास्टिक या डोरी डालने के लिए प्लस करेंगे और 1.5 इंच हम नीचे बॉटम में फोल्ड करने के लिए प्लस करेंगे, जो हुआ 21 इंच। 21 इंच हम कपड़े की लंबाई लेंगे, यानी कपड़ा ही हमारा पूरा है 21 इंच। पाजामा की चौड़ाई के लिए हम हिप को 3 से डिवाइड करेंगे, जो हुआ 6 इंच। लूज रखने के लिए और सिलाई में जाने के लिए हम 6 में 2 इंच प्लस करेंगे, जो हुआ 8 इंच। 8 इंच हम पाजामा की चौड़ाई लेंगे। यहाँ भी हमारा कपड़ा लगभग पूरा है। आसन के लिए हम हिप को 3 से डिवाइड करेंगे, जो हुआ 6 इंच। यहाँ ऊपर नेफा के लिए यानी डोरी या इलास्टिक डालने के लिए हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे, जो हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच हम आसन की लंबाई लेंगे। यहाँ से आसन की चौड़ाई हम हिप का 12वां भाग लेंगे, जो हुआ 1.5 इंच। यहाँ कोने से 1/2 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से इस लाइन के बाहर साइड से इस तरह से गोलाई देके इसमें मिला देंगे। यहाँ नीचे हम बॉटम का मार्क करेंगे, 1.5 इंच हमने फोल्ड करने के लिए लिया है, यहाँ से मार्क कर देंगे। 6 इंच हमने बॉटम की चौड़ाई ली है। हाफ इंच हम सिलाई के लिए मार्क करेंगे इसमें। अब हम यहां से इसको मिला लें। फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से बाहर की साइड को इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा, अगर इसको बराबर कट कर लेंगे तो ये कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको थोड़ा तिरछा लेते हैं। जब ये फोल्ड होगा तो इस तरह से इस पे आ जाएगा। ये ऊपर फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच यहाँ से मार्क करेंगे। ये हमारा इस तरह फोल्ड हो जाएगा। इसमें डोरी या इलास्टिक जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब हम इसको कट करेंगे। हम पहले यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब हम ये आसन कट करेंगे। ये बेबी का है, इसलिए अगर बड़े का बनाते हैं तो इसमें म्यानी लगाते हैं। यहाँ पे
हम इसमें म्यानी नहीं लगाएंगे, अब हम आपको सिलके बताएंगे। पहले हम ये आसन सिलाई करेंगे, ये कपड़ा डबल में है। इस पर हम दाब सिलाई लगाएंगे, ये जो हमने सिलाई की है दोनों साइड के कपड़े को इस तरह से एक साइड को फोल्ड करेंगे, चाहे तो आप इस तरफ फोल्ड कर दें चाहे तो आप इस तरफ फोल्ड कर दें। किसी एक साइड फोल्ड करने के बाद जो साइड ऊपर हो जाती है उसी के ऊपर सिलाई लगाते हैं, जो नीचे की साइड है उसको सिलाई नहीं लगाते। यहाँ से हम 1 इंच सिलाई करेंगे, डबल सिलाई कर देंगे। उसके बाद 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, इसको हम सिलाई नहीं करेंगे ऐसी खाली छोड़ देंगे। अब इसको पूरा यहाँ तक सिलाई कर देंगे, इसको उल्टे साइड से एक भाग को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और दूसरे भाग को इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये हम यहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमने ये सिलाई नहीं किया, इस भाग को वहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है वहाँ पे एक कट का मार्क कर देंगे। ये दोनों भाग को हल्का सा कट करेंगे। अब इसको दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। अब हम वापस नीचे की साइड आएंगे और ये दोनों भाग को, ये जो सिलाई के दोनों भाग हैं, इसको हम किसी एक साइड पलट देंगे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम ये नेपा फोल्ड करेंगे, पहले हम छोटा फोल्ड करेंगे, अब इसके बाद में हम 1 इंच का फोल्ड करेंगे। अब हम ये नीचे से दोनों भाग पकड़ के सिलाई करेंगे। ये हम नीचे सिलाई करके यहाँ आसन से लेकर के और ये दूसरे साइड में भी पूरा सिलाई करेंगे। ये आसन की सिलाई, हम ये सिलाई और ये सिलाई दोनों को इस तरह मिला लेंगे। यहाँ पे जहाँ हमने ये फोल्ड का मार्क किया है यहाँ पे छोटा सा कट का मार्क कर देंगे। अब हम ये नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे, बॉटम को लास्ट में फोल्ड करते हैं क्योंकि ये हमारी सिलाई दब जाएगी। अगर हम इसको पहले फोल्ड करेंगे और इसको बाद में करेंगे तो ये सिलाई हमारी नीचे से दिखाई देगी। इसको हम 1.5 इंच प्लस, इसको हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। पहले हम छोटा फोल्ड करेंगे उसके बाद में हम बड़ा फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी साइड भी फोल्ड कर देंगे। ये हमारा बेबी पाजामा सिलके तैयार हो गया है। आप किसी भी साइज का पाजामा बनाना चाहते हैं तो यही मेथड यूज करें। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।